वैष्णो देवी मंदिर शक्ति को समर्पित एक पवित्र हिंदू मंदिर है। वैष्णो देवी मंदिर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू में है। वैष्णो देवी मंदिर उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। माता वैष्णो त्रिकुट पर्वत की गुफा में विराजमान है। कहा जाता है कि माँ वैष्णो अपने परम भक्त श्रीधर के भंडारे में कन्या बनकर आई थी और भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की। भैरवनाथ ने कन्या को पकड़ना चाहा तो कन्या त्रिकुट पर्वत की ओर भागी थी। कन्या रूपी माँ वैष्णो ने हनुमान से कहा कि तुम भैरवनाथ के साथ खेलो, मैं इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या करूंगी। गुफा के बाहर हनुमान माता की रक्षा के लिए भैरवनाथ के साथ 9 माह तक खेलते रहे। यह स्थान अर्धकुंवारी के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुंवारी की गुफा को गर्भ पूजन गुफा कहा जाता है। माँ ने यहीं पर 9 माह तपस्या की थी। कहा जाता है कि गर्भ पूजन गुफा में जाने वाले व्यक्ति को दोबारा गर्भ में नहीं जाना पड़ता और यदि जाता भी है तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। अर्धकुमारी वह स्थान जहां माता भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखती है और यहीं पर माता के चरण पादुका भी है। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने धनुष बाण चलाकर पहाड़ से जल धारा निकाली थी और इसी से अपने केस धोए थे। यह जल धारा आज बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। त्रिकुट पर्वत पर ही माता ने भैरवनाथ का संहार किया और क्षमा मांगने पर अपने से ऊंचा स्थान दिया। माता ने भैरवनाथ से कहा कि जो मनुष्य मेरे दर्शन के पश्चात तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। जब माँ ने भैरव का वध किया तब उसका सिर धड़ से उड़कर भैरव घाटी चला गया और शरीर यहीं रह गया था। कहा जाता है कि भैरव का शरीर आज भी गुफा में मौजूद है और सिर जहां गिरा वहां भैरव मंदिर है। माता के शरीर में माँ सरस्वती बाएं, माँ लक्ष्मी मध्य और माँ काली दाएं की 3 पिंडियां विराजमान है। माता के दर्शन के बाद 3 किलोमीटर की चढ़ाई के चढ़ने के बाद भक्त भैरवनाथ का मंदिर अवश्य देखते हैं। यह मंदिर भारत में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद सबसे अधिक देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है। हर वर्ष लाखों भक्त इस मंदिर में आते हैं। नवरात्रि के दौरान भक्तों की संख्या काफी बढ़ जाती है। 2017 में NGT ने फैसला लिया था कि अब एक दिन में सिर्फ 50,000 लोग ही दर्शन करेंगे। माता के मंदिर जाने के लिए जिस रास्ते का उपयोग किया जाता है वह प्राकृतिक नहीं है। इसे 1977 में बनाया गया था। जब 10,000 से कम श्रद्धालु होते हैं तो मंदिर का प्राचीन गुफा खोल दी जाती है। गुफा में पवित्र गंगा जल प्रवाहित होता रहता है। विश्व प्रसिद्ध वैष्णो देवी का मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे व्यस्त तीर्थ स्थल है। त्रिकुट पर्वत पर होने के कारण माता का एक नाम त्रिकुटा देवी भी है। तो ये थी वैष्णो देवी मंदिर के विषय में थोड़ी सी जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।